अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जवाद है और आज हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट में एक विनिंग स्ट्रेटजी बनाने के 7 बुनियादी उसूल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर डिसीजन विद व्हाई। रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे मकासद हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन्स, ज़्यादा मुनाफा, रेंटल इनकम, या फिर आपको अपने लिए रिहाइश के लिए कोई रियल एस्टेट चाहिए, या फिर आपको टैक्स ब्रेक्स, टैक्स एडवांटेजेस के लिए इन्वेस्टमेंट करनी। तो जो भी आपका वाई है वो आपके ओवरऑल स्ट्रेटजी को डराइव करेगा। वाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद वाई। सेकेंड फैक्टर इज़ फॉर होम। आप रियल एस्टेट किसी एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए अगर बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकती है या आपका पर्पस को सर्व कर सकती है। योर ऑडियंस कैन बी यंग पीपल, हॉस्टलाइट्स नियर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, रेजिडेंशियल रियल इस्टेट फॉर यंग पीपल, रिटायर्ड लोगों के लिए होम, मिलिट्री पर्सनल के लिए एक क्वाइट सोसाइटी। सो फॉर होम शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन योर लिस्ट। सो द थर्ड फैक्टर ऑन माई लिस्ट इज़ हाउ मच यू पे फॉर इट। मार्केट की प्राइस और उसकी असल इंट्रेंसिक वैल्यू दो अलग अलग चीज़ें। आप कितना पे करें एज अपोज टू उसकी असल कीमत कितनी होनी चाहिए, ये कंपेरिजन अगर आप ड्रॉ कर लें तो इट विल हेल्प यू मेक बेटर डिसीजन। द वैल्यूएशन कम्स फ्राम कंपेरेटिव एनालिसिस। उसकी प्राइस कुछ अरसे में पिछले सालों में कितनी ग्रो की है, उसके अंदर से आपको आमदन कितनी मिल सकती है, उसको दोबारा अगर बनाया जाए रियल एस्टेट को तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। इस तरह के फैक्टर्स आपको वैल्यूएशन में मदद करेंगे एंड फिर जो वैल्यूएशन आपको मिले उसको आप मार्केट में अवेलेबल प्राइस से कंपेयर करें। अगर आपको डिस्काउंटेड ऑप्शन मिल रहा है तो इट्स अ ब्रिलियंट परचेज, और अगर आपको एक हायर देन द वैल्यूएशन प्राइस पे करनी पड़ेगी तो द प्रीमियम यू पे वुड डिफाइन हाउ मच प्रॉफिट यू कैन मेक। माई लिस्ट में चौथा फैक्टर रिस्क है। किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह रियल इस्टेट में भी कुछ रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। रिस्क आर नॉट बैड, अनसर्टेनिटी ऑन द अदर हैंड इज़ बैड। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेंगे तो आप एक बुनियादी जो प्रॉफिट रेशो है उससे ज़्यादा कभी भी आमदन नहीं कमा सकेंगे, जो कि अमूमन स्टेट बैंक का रिस्क फ्री रेट डिफाइंड होता है। तो अगर उससे ज़्यादा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट से मुनाफा कमाना है तो आपको अमूमन ज़्यादा रिस्क लेने पड़ते हैं। अगर आपको उन रिस्क का पता है और उनके अगेंस्ट आपने एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी बनाई भी है तो ये आपको मदद करेगा। अगर आपको उन रिस्क का नहीं पता है तो फिर वो अनसर्टेन स्पेस में आप दाखिल हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको आगे जाके उस इन्वेस्टमेंट के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सो आई वुड से मिटिगेट योर रिस्क एंड रिमूव अनसर्टेनिटीज एंड देन Taking risks are not bad. So मेरे इसमें पाँचवा फैक्टर हु है। You always buying from someone. कभी आप किसी बिल्डर से ले रहे होते हैं, कभी आप डेवलपर से ले रहे होते हैं, कभी आप इदारों से ले रहे होते हैं। जिससे भी आप ले रहे हैं उसका पास्ट एक्सपीरियंस और उसकी डिलीवरी टाइम लाइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर उसने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो ये एक अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकता है कि वो फ्यूचर में भी कैसे परफॉर्म करेगा। अगर वो फर्स्ट टाइम जो है आपको कुछ ऐसी चीज़ दे रहा है जिसमें डेवलपमेंट इन्वॉल्व है तो यू शुड बी मोर केयरफुल विद द प्रोग्रेस दैट ही मेक्स। मेरी लिस्ट में छठा पॉइंट लोकेशन है। रियल इस्टेट डीलर्स अमूमन लोकेशन पर ही इंसिस्ट करते हैं, बट लोकेशन इज़ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर देन जस्ट मेन रोड लोकेशन या फिर कॉर्नर प्लॉट या फिर इस तरह के जो फैक्टर्स डीलर्स बताते हैं। लोकेशन का मतलब फॉर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मींस कि लॉन्ग टर्म में वहाँ रिहाइश कितनी कंफर्टेबल है, कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कितनी आसाइश अवेलेबल है आपको, लॉन्ग टर्म में उसका कैसा ग्रोथ हो सकती है, कमर्शियल के लिए कितनी बड़ी मार्केट है, कितने सारे लोग वहाँ रिहाइश पजीर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मेंटेनेंस कैसी है। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो फिर आपकी एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू मार्केट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इस तरह के फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड इस तरह के मुख्तलिफ रियल एस्टेट के लिए भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो लोकेशन के साथ लिंक्ड हैं, वो कंसिडर करने चाहिए। लोकेशन इज़ अ मच डीपर फैक्टर देन जस्ट मेन रोड, एंड अगर आप अच्छे तरीके से अच्छी लोकेशन पे करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में
ग्रोथ चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो मेरी लिस्ट में आखिरी फैक्टर मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट के हालात अच्छे हैं तो एक एवरेज इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी आमदन दे सकती है, और अगर मार्केट के हालात बहुत साजगार नहीं है तो शायद आपको बहुत अच्छा मुनाफा ना हो, एंड यू हैव टू वेट आउट द बैड टाइम्स। मार्केट की कंडीशंस को बीट करना ही आपका मकसद होना चाहिए। अगर मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा साजगार हो जाएगी। मौशी फैक्टर्स में आपको इन्फ्लेशन, GDP, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स एंड इनकम ग्रोथ रेट जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, एंड इन अगर ये सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं तो आपके लिए बहुत साजगार इन्वेस्टमेंट का टाइम होएगा। इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर हम अपनी इन्वेस्टमेंट मास्टर क्लास सीरीज़ में तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।